हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम डी के एस अंसारी में। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रो कबड्डी सीजन 8 का ऑक्शन डेट क्या होने वाला है, क्या सच में प्रो कबड्डी सीजन 8 का ऑक्शन होगा। तो गाइस, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए होंगे और बहुत सारे जन ने कमेंट भी किया है कि प्लीज़ प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन के रिलेटेड कोई अपडेट बताओ, कोई नया अपडेट आया है कि नहीं, क्या इस साल प्रो कबड्डी सीजन 8 का ऑक्शन होगा, होगा भी तो कब होगा। तो गाइस, जितने भी आपके डाउट्स है सब मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, बिना देरी किए एक और न्यू वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैं बहुत दिनों से प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन डेट्स की वीडियो पे वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, उसके टॉपिक वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। हाँ, प्रो कबड्डी सीजन 8 की स्टार्टिंग डेट्स पे मैंने वीडियो बहुत सारी डाल दी है, लेकिन ऑक्शन डेट के रिलेटेड में कोई भी अपडेट नहीं आ रहे थे। और जैसे कि IPL के अपडेट्स मैंने आपको पिछले दो वीडियो में बताया कि IPL का जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड T20 हो चुका है कैंसिल, यानी कि पोस्टपोन्ड हो चुका है 2021 के लिए, और 2020 में IPL कंफर्म हो जाएगा, मतलब कि IPL इसी साल होने वाला है। और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही हफ्तों के बाद आपको IPL 2020 का स्टार्टिंग डेट्स यानी कि पूरा शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, कल ही जो IPL है उसका शेड्यूल लॉन्च हो चुका है, यानी कि हमें बता दिया कि कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक हमारा IPL रहने वाला है। सो गाइस, डेट की बात की जाए तो डेट तो रहने वाला है 19 सितंबर से लेके 8 नवंबर तक हमारा जो IPL है वो रहने वाला है, यानी कि वो खेला जाएगा UAE में 19 सितंबर से लेके 8 नवंबर के बीच में। सो गाइस, एक चीज़ आपने गौर की होगी कि कोई भी नया लीग्स होता है, कोई भी बड़ा लीग होता है, वो स्टार्ट होता है संडे को, लेकिन IPL स्टार्ट हो रहा है सैटरडे को, यानी कि 19 सितंबर होने वाला है सैटरडे और ख़त्म होगा 9 नवंबर को। तो गाइस, 8 नवंबर को, तो गाइस 8 नवंबर रहने वाला है संडे। जी हाँ दोस्तों, संडे को हमें फाइनल देखने को मिल जाएगा IPL 2020 का, और उसी के एक हफ्ते बाद, यानी कि एक हफ्ते बाद 15 नवंबर को हमें प्रो कबड्डी भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस, स्टार्टिंग डेट तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बात हमें रहने वाली है कि हमारा ऑक्शन होने वाला है कि नहीं, क्या सच में प्रो कबड्डी सीजन 8 का ऑक्शन इस साल होगा। सो गाइस, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है प्रो कबड्डी इस साल कैसे भी करके IPL के मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म होने के एक वीक बाद स्टार्ट हो सकता है। और वही बात क्या है ऑक्शन की, तो गाइस ऑक्शन के लिए हमें कम से कम एक मंथ का टाइम चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें वो भी बैठाने पड़ते हैं, वो सब मतलब कि ऑक्शंस होने के बाद हमारे प्लेयर्स को ट्रेन करना पड़ता है, यानी कि कैंपिंग वैम्पिंग बहुत सारी चीज़ सब लेके हमें 15 से लेके 30 डेज तक का टाइम चाहिए। अगर मान लो दोस्तों, अगर 15 नवंबर को ऑक्शन होता है तो 15 नवंबर से दिसंबर पूरा चला जाएगा, तो गाइस मतलब कि अगला साल लग जाएगा। तो प्रो कबड्डी सीजन 9 कब होगा, प्रो कबड्डी सीजन 8 का भी बहुत सारे मतलब कि वो आ रहे हैं कि इस साल नहीं हो सकता, तो गाइस इस साल होगा, लेकिन प्रो कबड्डी सीजन 8 का ऑक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से ये लगता है कि प्रो कबड्डी का जो ऑक्शन है वो नहीं होगा, जो प्लेयर्स पुराने थे वही प्लेयर्स इस साल फिर से खेलेंगे, वही टीम के लिए खेलेंगे, और प्रो कबड्डी सीजन 8 जो लीग है वो ख़त्म कर दिया जाएगा इसी साल के अंदर। तो गाइस, इस साल के अंदर हमें प्रो कबड्डी सीजन 8 और IPL सीजन 13 देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, आपका जो भी डाउट्स है क्लियर हो चुका है, और अगले वीडियो आपको कौन से टॉपिक पीछे भी बता देना। और कल के दिन, जी हाँ दोस्तों, कल के दिन हमें प्रो कबड्डी सीजन 8 की स्टार्टिंग डेट के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, कौन कौन से नए अपडेट आ चुके हैं और कौन से डेट से हमें प्रो कबड्डी सीजन 8 स्टार्ट होते हुए यानी कि देखते हुए मिल जाएगा। सो बस अगला वीडियो भी देख लेना, और इस वीडियो को भी लाइक बहुत जल्दी कर देना, इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 100 लाइक्स का, तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइस, फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और भी प्रेस कर देना। गाइस मिलते हैं कौन वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।